आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। ये कोई मामूली ध्वज नहीं है, ये वो जैन ध्वज है। भैया तीनों बोल रखी है, हाँ, दोनों हाथ ऊपर, हाथ हिलाते हुए जैसे हम दोनों हाथों को कल्पना करते हुए ये जैन ध्वज अपने हाथों से पकड़कर हम फैला रहे हैं। मन में ये भाव लगाते हुए कि हम पवित्र यज्ञ करते हुए समोसरण की रचना करते हुए दोनों हाथों को हिलाते हुए मेरे को ध्यान देंगे जवाब दे चलेंगे इसकी आवाज होते दोनों हाथों को पकड़कर देखिए कैसे हम अपने मन में कल्पना करें। ये मामूली जैन ध्वज नहीं है, ये वो जैन ध्वज है जो अनादि अनंत धाम से जुड़ा हुआ है। अभी हमारे हाथों में देखिए अभी धक्के के आप लोग बैठ गए, ये कोई बात नहीं धक्के आप दोनों हाथों में जाकर जैन सबने मिलकर एक साथ इतने लोगों ने एक साथ बुलाया है। लंबा ध्वज जो आपने पहली बार भावनाओं के साथ जो भावना वाले मन में हम देखिए हम लोग कितने लोग थके हैं मन में बातें भाई भगवान मारे तो ध्यान देंगे भगवान को जाते हुए अपने शंकर की भावना को देते हुए हम इस जैन ध्वज को फैला रहे हैं। राष्ट्रपति
महिला शक्ति जिसकी विराजमान ने किया है समाप्ति की ओर पूनम जी विराजमान सब लोग बस एक बार या ताली बजाकर उनका स्वागत है महावीर विराजमान Yeah.
डॉक्टर दिनेंद्र जी जो योगाचार्य हैं कृपया 10 मिनट के लिए योग कराएंगे। सभी को सादर जय जैन। भारतीय जैन मिलन के 54वें राष्ट्रीय अधिवेशन पर उपस्थित सभी सम्मानित वीर एवं वीरांगनाओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। संगठित प्रक्रम का नाम ही मिलन है, मिलन का भावार्थ ही योग है। देखिए गैली में कोई महेंद्र जी कोई भी गैली में खड़ा हुआ नहीं होगा। अब योग और भावना योग के रूप योग मिलते हैं। काय वांगना व्यापारो योगा, काय मन और वचन के प्रवृत्ति का नाम ही योग है। उसकी एकाग्रता और निरोध ध्यान है। चेतना का शुद्ध उपयोग ही ज्ञान और ध्यान है। 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी की वाणी गूंजी थी, पुरुषा प्रक्रमा, पुरुष प्राक्रम कर, अपना सच में सच्चा, स्वयं सत्य खोजे, मित्री में सब भूयेषु, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव के लिए। योग से मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य उपलब्ध होता ही है, साथ ही भावनात्मक चेतना का निर्माण भी होता है। जिस संवेदना के साथ जैन मिलन समाज के लिए कार्य कर रही है बधाई के पात्र है। हम सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आदरणीय मंच और उपस्थित सभी वीर वीरांगनाएं, आइए हम सभी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, नई ऊर्जा जोश व उत्साह के साथ ताली बजाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हंसते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक भाव से एक दूसरे का उत्साह वर्धन करते हैं, अपने शरीर के अंगों का रक्त संचार बढ़ाते हैं, उदासियां दूर करते हैं, चेहरे पर एक नई चमक बिखेरते हैं, नसों और नाड़ियों की कार्य शक्ति बढ़ाते हैं, अपने शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा का आवरण व रक्षा कवच बनाते हैं। भौतिक सुख से जो शरीर की सार कार्य शक्ति में कमी हुई है उसे दूर करते हैं, मनाशक्ति को सुदृढ़ करते हैं, नई ऊर्जा व चेतना का निर्माण कर अपने उद्देश्यों को साकार करते हैं, आधुनिक उपकरण लैपटॉप मोबाइल से होने वाले नुकसानों को दूर करने के लिए आइए मिलकर हास्य क्रिया, ताली बजाना, योगासन व प्राणायाम करते हैं। सभी से निवेदन है कि वो कमर सीधी करके बैठ जाएं अपने स्थान पर। रीढ़ का सुदृढ़ रहना और सीधा रहना हमें सभी बीमारियों से दूर करता है। और आज जो लैपटॉप और मोबाइल के ज़माने में जो हमारे अंग विकृत होते हैं उसका सबसे बड़ा कुपरिणाम है। इनसे दूर रहने के लिए हम 10 मिनट का समय दिया गया है, कोशिश करेंगे हम आपको उससे लाभान्वित कर सकें। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। पैर को दोनों बराबर से नीचे रखेंगे, समतल, घुटना आगे बढ़ा के सीट से थोड़ा आगे बढ़ के बैठेंगे। लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास करेंगे, दोनों नासिका से लंबी सांस खींचेंगे, अपने फेफड़े में भरेंगे, कुछ देर रुकेंगे और श्वास को हम छोड़ेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हाथ को मिला के सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे, मुस्कुराएंगे। मुस्कुराना भूल गए हम लोग, अगल बगल वाले को देख के मुस्कुराइए, क्योंकि सबसे ज्यादा डाका हमारा पड़ोसी है, उससे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उसका हौसला बढ़ाना है, उसके अपनी सार्वभौमिक मुस्कान देनी है, एक दूसरे की तरफ देखिए और मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट वो प्रदूषण है जो आपकी ऊर्जा को फैलाती है, वो संक्रामक है जो आपको फैलाती है और एक दूसरे के करीब लाती है भाव और विचार और वाणी से। दोनों हाथों को ऊपर ताली जाएंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बराबर में हंसते हुए एक दूसरे को देखते हुए। ये भी उत्साह तभी बढ़ेगा जब आप एक दूसरे का उत्साह वर्धन कर रहे होते हैं। चाहे खींचने वाले तो बाहर से हैं, लेकिन उत्साह बढ़ाने के लिए आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि जैन मिलन मिलन का नाम ही योग है। एक दो तीन चार, 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 ए
न कि टांग खींचना, न कि एक दूसरे को देख के मुस्कुराना। दिल खोल के ऐसे अपने फेफड़े को मजबूत कीजिए, अपने हार्ट को मजबूत कीजिए। कुछ आपको ऊपर इस तरह से ले जाए। क्योंकि हमारे फेफड़े संकुचित हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए फेफड़ों का सही रहना जरूरी है। जो कोरोना वायरस फैला है वो लास्ट में जाके फेफड़े को प्रभावित करता है और किडनी को प्रभावित करता है। इसलिए अपने फेफड़े को इतना मजबूत कर लीजिए आप कि कोई बीमारी आसपास ना आने पाए, आसपास का वातावरण और प्रदूषण दूर हो जाए। इसलिए खिलखिला आगे हंसे। इन हंसी के साथ हम अपने चेहरे की भावभंगिमा को और ऊर्जा से भरते हैं। आइए कपोल और कर्ण शक्ति विकासक करते हैं। मुंह से श्वास खींचेंगे, गाल को फुलाना है। जब तक रोक सकते हैं तब तक रोकिए, उसके बाद हाथ हटा के नाक की श्वास खींचना है। चेहरे पर ओजस्विता मिलेगी आपको, आपको कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो रोम कूप है वो खुलेंगे। चेहरे पे सबसे ज्यादा नर्व्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे। सांस की दिक्कत है या फेफड़े की दिक्कत है, उम्र के साथ कान में जो भाई भाई की आवाज आती है, उम्र के साथ जो कान में आवाज आती है और सुनना बंद हो जाता है, इससे खुलेंगे। इसलिए आप इस तरह से होगा, इसे कहते हैं कपोल पर्श विकार, ईएमटी स्पेशलिस्ट एक्सरसाइज है। अब गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। हम अपने हाथ को घुटने पर रख लेंगे, गर्दन सीधी करेंगे, लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे, खिंचाव देंगे, फिर वापस आएंगे, फिर लंबी सांस खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे। हम जितना घुमाव दे सकते हैं, रुकने का अभ्यास जरूर करना है। लेफ्ट राइट 5 बार। फिर गर्दन अपने स्थान पे, लंबी श्वास खींचते हुए गर्दन को बाईं तरफ खिंचाव देंगे, वापस आएंगे, फिर लंबी श्वास खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुस्कुराते हुए। दबाव नहीं देना है, दबाव सिर्फ अंग विशेष पे देना है, अपने चेहरे अपने भाव को नहीं देना है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं और करते हैं, जैसी भाव भंगिमा बनती है वैसा ही असर आता है। इसलिए योग में भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में खिंचाव दीजिए। अब सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, कूप पे कंड कूप पे लगाएंगे। लेकिन जिन्हें स्पॉन्डाइटिस है वो कृपया करके गर्दन को नीचे न झुकाएं, वो सिर्फ पीछे जाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ आएंगे। जिन्हें दर्द नहीं है वो गर्दन को पूरी तरह से रोक टोक कर ले जा सकते हैं। कर तो रहे हैं गर्दन की एक्सरसाइज, लेकिन इस पे थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड से उस पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे पूरी तरह से। जिन्हें दर्द है वो सिर्फ हाफ रोटेशन करेंगे, आधा गर्दन घुमाएंगे और आधे से ही वापस आ जाएंगे। जिन्हें दर्द नहीं है वो पूरा घुमाएं। पूरी तरफ से पूरा बात मत कीजिए और सांस छोड़ते हुए आप बैठे बैठे किचन में भी कर सकते हैं, टीवी देख रहे होंगे उस समय भी कर सकते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय भी बीच बीच में कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके नसों की दिक्कत होनी है, स्वाभाविक है। अब गर्दन की एक एक्सरसाइज है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप गर्दन को दाएं या बाएं ले जाएं और पीछे की तरफ खिंचाव देंगे, किसी एक दिशा में ले जाएं और पीछे की तरफ दिशा दबाव देना है। गर्दन को घुमाया और पीछे की तरफ दबाव देना है, रुकना है वहां पे, वापस दूसरी तरफ पीछे की दिशा में दबाव देना है। ये बैठ आपको बैठे करना, आप खड़े होकर करा रहे हैं, ठीक है ना, कुर्सी की अपनी व्यवस्था है। अब आइए अंगुली शक्ति विकासक, क्योंकि लैपटॉप मोबाइल ये सब का इस्तेमाल करते हैं तो ये खराब होते हैं, हमारे मसल टनल सिंड्रोम हो जाता है, उसका कहीं उपयोग नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज है। अंगुली शक्ति विकासक, सांस भरते हुए मुट्ठी बंद, सांस छोड़ते हुए खोलिए उंगली। सारी उंगलियां अलग अलग रहेगी और एक दूसरे पे दबाव रहेगा,
दबाव एक दूसरे पर रहेगा लेकिन चेहरे पर नहीं रहेगा, इसलिए मुस्कुराते हुए इस दबाव को स्वीकार कीजिए। श्वास भरते हुए खींचिए, श्वास छोड़ते हुए बंद, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए। श्वास जो लेना है उतनी वो फेफड़े तक जाए इतना कोशिश करेंगे, उतनी श्वास नहीं लेना है, भरपूर श्वास लेना है। अब कलाई को घुमाएंगे, दबाव देते हुए, सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे तो कलची घूमती है, ऐसे नहीं, दबाव देते हुए, दबाव देते हुए। खिंचाव आएगा, हाथ में दर्द होगा आपके, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि यही दर्द आपको दूर रखेगा। अब दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें खिंचाव देना, सभी उंगलियों के जो टिप्स हैं इन्हें खिंचाव देना है, बिल्कुल दबाव देते हुए। आवेश आता, आक्रोश आता है, उनसे दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए खिंचाओ। श्वास भरते हुए मुट्ठी बंद और सारी गुस्सा आप उसी मुट्ठी में निकाल लीजिए। सांस छोड़ते हुए सारी उंगलियां खोलिए, आक्रोश रिलैक्स, कर्तव्य शक्ति विकास। श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है, खिंचाव देना है आपको, रुकना नहीं है। श्वास भरते हुए अपनी तरफ हाथ को खींचिए, जैसे आपको धक्का देना है, धक्का देना है, रहना वही है, कमर सीधी रहेगी आपकी और अपनी तरफ खींचे जितना खींच सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। ये मुस्कुराहट बाद में भी रहनी चाहिए, अभी जो मुस्कुराहट है ना ये बाद तक रहनी चाहिए। हाथ को साइड में रखेंगे, खींचना है इधर की तरफ, इधर की तरफ, और चलिए जगह नहीं है तो आप हाथ यहाँ कर लें, जो एक पोजीशन वो बता दिया मैंने, जब घर पे जगह हो तो आप दूर करके करेंगे, ये हाथ यहाँ करेंगे, ये आप आराम से कर सकते हैं। खिंचाव देना है, राइटर्स क्रेम हो जाता है। मेरुदंड के लिए एक हाथ इधर एक हाथ पीछे, कमर सीधी करेंगे, लंबी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए कंधे को पीछे की तरफ ले जाएंगे, हाथ को पेट की तरफ, गर्दन सीधा और सामने, वापस दूसरे हाथ को कंधा मोड़ने के पीछे की तरफ, चेहरा सामने, पैर सामने करेंगे। ये बाद में रिपीट करना है, पांच पांच बार, समय की व्यवस्था है इसलिए कंधे की, पहले पंजे को चलाना है फिर रेडी को चलाना है, और कमर सीधी करेंगे दोबारा और वापस लौटते हैं। आप लोगों ने बहुत ही धैर्य के साथ सुना, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग, हम प्रार्थना करेंगे आपसे कि आप सभी लोग घर पे जरूर करें, आपको इस बीमारी कारण डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्वे समन भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भाग्यः। ओम शांति शांति। नमस्कार, धन्यवाद। एक बार धीरेन्द्र जी के लिए, योगाचार्य जी के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत। अब सभी मिलकर एक बार जरा जयकारा लगाएंगे, पूर्ण भक्ति और शक्ति के साथ दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके पूर्ण भक्ति और शक्ति के साथ, महावीर भगवान की जय, पासनाथ भगवान की जय, जैन धर्म की जय। यहां उपस्थित सभी जैन वीर और वीरांगनाओं, मैं भारतीय जैन मिलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सुरेश जैन ऋतुराज हूं। इस कोरोना के वातावरण में आप यहां उपस्थित, मैं ये जानना चाहता हूं जिसमें मैं भी हूं,
हम है क्या? हम पारसी हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम हिंदू हैं, हम जैन हैं, हम है क्या? आज यही प्रश्न पूरे वातावरण में हम सबको दिखाई देता है। ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं, हमारी जैन मिलन की व्हाट्सएप ग्रुप है और भी जैन ग्रुप हैं, मैं उसमें देखता हूं हमारे जैन मतालंबी, उसमें जब जैन कोई त्योहार होता है उसका तो कोई व्हाट्सएप करेंगे नहीं, लेकिन अन्य का वो व्हाट्सएप जरूर करेंगे। जो हमारा जैन धर्म अनादि अनंत धर्म है, यानी कि पूरे देश के अंदर कहीं भी अगर हम खुदाई करें तो ऐसा संभव नहीं है कि वहां पर तीर्थंकर भगवान की मूर्ति ना निकले, ये संभव है क्या? देखिए, जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है उसके अंदर, जब खुदाई के बाद मानव संस्कृति के चिन्ह मिले तो उसमें जो मूर्ति आराध्य देव की निकली वो भगवान आदिनाथ भगवान की थी, जिसने ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाणित किया कि जैन धर्म अनादि अनंत धर्म है, यानी कि इतिहास तो मानता है, हमारे शास्त्र भी मानते हैं, लेकिन हम ये बताएं कि हम जिसमें ये भी मैं अगर पसंद करता हूं कि अगर बताइए कि हमने अगर जैन धर्म में हम पैदा हुए हैं तो हमने पुण्य किया है या पाप किया है? क्या किया है हमने? क्या जोर से बोले कान तक आवाज नहीं आई? क्या पीछे भी बताए कि पुण्य किया या पाप किया है? अरे पुण्य हमने किया है तो हमने जैनत्व के लिए क्या किया है? हमने जैनत्व की रचना पर कभी कोई विचार किया है क्या? एक समय था हम 40 करोड़ थे, ये शास्त्र की बात है, और इतिहास की बात यह है कि अकबर के समय में हम 4 करोड़ थे, यानी कि घट घट कर अब हम कागजों में कितने आ गए, हमने चिंता की क्या? हम अपने नाम के आगे गोत्र लगाएंगे, जब जनगणना होगी तो हम उस गोत्र का नाम का उल्लेख करेंगे। हम में से कितने ऐसे हैं जो जैन नहीं लिखेंगे, ना जाति पर लिखेंगे ना धर्म पर लिखेंगे? क्या हमें लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? एक बार हाथ खड़े करके कहे कि लिखना चाहिए। हम संकल्प लेने के लिए तैयार है कि हम लिखेंगे क्या? अरे लिखेंगे तो जोर से बोलो कि हम जैन लिखेंगे। अरे लिखेंगे, लेकिन एक बात बताइए, मंदिर और स्थान में कितने लोग जाते हैं अपने वैसे जितने यहाँ पर बैठे हैं? सब जाते हैं। अरे कमाल है भाई, सब जाते हैं, सही सही बात है। अच्छा आप में से बच्चे कितने के जाते हैं जा, वो भी हाथ खड़े करते हैं? अरे ये तो इतने भी 10% रह गए। अच्छा हम में से किसी को चिंता नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएं, कैसे जाएं? हाँ ये तो है, कॉन्वेंट स्कूल में चले जाएंगे, वहां जाकर अमेरिका विदेश में चले जाएंगे। हम में से न जाने कितने ऐसे हैं जब मैंने देखा है नजदीक के लोगों को कि जब जो हमारे विदेश में रहते हैं, दूर रहते हैं, जब उनका दाह संस्कार होता है तो उस दाह संस्कार के समय मैंने देखा है कि उनका पुत्र भी वहां पर नहीं होता है। आपने देखा है क्या? देखा है क्या? आप ये बताइए, हम वो जो संस्कार बच्चों में देना चाहते हैं, क्या हम वो देना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। आज आप ये बताइए, मैं अगर ये कह पूछने लगूं आपसे कि हम में से कितने के बच्चे ऐसे हैं जो रोजाना अपने माँ बाप के चरण छूते हैं, हाथ खड़े करते हैं? सबके नहीं करेंगे। अब मैं बहुओं से पूछने लगूं कि कौन बहुएं ऐसी हैं जो रोजाना अपने सास ससुर के चरण छूती हैं? बहुओं की बात कर रहा हूं। देखिए कितनी हमारे सामने आई है, हमारे संस्कार देखिए आप, हम माँ बाप से बच्चों से चरण नहीं छुआएंगे, बहुए सास के चरण नहीं छुएंगी, बच्चे हमारे मंदिर या स्थानक नहीं जाएंगे, तो इस जैनत की रक्षा कैसे होगी?
ये जनगणना, आज ये राष्ट्रीय जनगणना होने वाली है। कांटों में 44.5 लाख, बंबई जैसे शहर में 40 लाख से ऊपर लोग रहते हैं। ये पूरी बेल्ट दिल्ली से लेकर देहरादून तक, इधर हरियाणा के अंदर चारों तरफ जैन ही जैन मतालंबी हैं। लेकिन संख्या अगर गिनने में आती है, आज राजनीति की प्रतिनिधित्व क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो 35 सांसद थे। कितने सांसद थे जब बताया भाई, जब कितने सांसद थे और आज कितने सांसद हैं? हमें चिंता नहीं करनी है, आज कोई पार्टी हमें टिकट देने को तैयार नहीं है। राजनीतिक स्थिति हमारी नगण्य हो जाएगी, जनसंख्या की स्थिति हमारी नगण्य हो जाएगी। तो इस जो अनादि अनंत धर्म है, ये कैसे बनने वाला है? मैंने कल सवाल पूछा था कि हम नेट का प्रयोग करते हैं, हम में से कितने नेट का प्रयोग करते हैं? या हाथ खड़े करें, नेट का प्रयोग जो करते हैं या हाथ खड़े करें। अच्छा, अपने में से कितने ऐसे हैं जो नेट पर अपने जैन धर्म का इतिहास जिन्होंने देखा हो? देखिए, सबने नहीं देखा। अच्छा, कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को देखने के बाद में जैन धर्म का इतिहास बताया हो? हम ना खुद देखना चाहते हैं ना बताना चाहते हैं। देखिए, मेरा निवेदन है, आज का ये जो जैन सम्मेलन है, ये इसीलिए है कि आज हम ये संकल्प लेकर जाएंगे कि यहां पर जैनत के लिए, उस जैन धर्म के लिए जो हमसे बन सकेगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। मेरी बात से सहमत हो तो एक बार ताली बजाकर मेरी बात का अनुमोदन करें, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मेरी बात का अनुमोदन करें, ताली बजाकर मेरी बात का अनुमोदन करें। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने भारतीय जैन धर्म के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष को कि वो जैन धर्म का इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। पास प्रभु के चरणों में नमन कर अपनी बात प्रारंभ करता हूं। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, इति ई आसक्ति, यहां ऐसा हुआ, इस प्रकार अतीत में हुई घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रमाणित करना ये इतिहास है। मेरे बोलने की सीमा मात्र 10 और 12 मिनट है, पर इतिहास का विषय इतना बड़ा है कि 10-12 दिन तक भी बोलते रहो तो कम है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया मेरी छोटी बातों को बीज बुद्धि के रूप में लेना, छोटी कही बड़ी मानना और यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करना। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, जैन धर्म अनादि अनंत है। एक साइकिल जैन धर्म में चलता है, उत्सर्पणी और अपसर्पणी काल। अभी कौन सा काल चल रहा है आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे पंचम काल चल रहा है। पहले दूसरे तीसरे काल में मनुष्य की आवश्यकताएं नहीं होती थी, जो कुछ आवश्यकताएं होती थी कल्प वृक्ष से उन्हें प्राप्त हो जाती थी। तीसरे काल में जब कल्प वृक्षों का धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया तो लोगों को आवश्यकताएं होने लगी, एक दूसरे को देखने की होने लगे और कुल कबीले बनना शुरू हुए, कुलकरों की स्थापना हुई। आपको जानकारी बहुत से लोगों को होगी, हमारे 14 कुलकर हैं। पहले कुलकर का नाम प्रतिसुति और अंतिम कुलकर का नाम नाभिराय है, और नाभिराय के ही पुत्र ऋषभदेव जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, और उनके पुत्र भरत जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है।
बंधु, मैं जो बात कहना चाहता हूं, ईसा पूर्व 600 वर्ष 599 से 577 तक भगवान महावीर का काल रहा। भगवान महावीर के काल में सती अंजना हुई, चंदन वाला हुई, सती चंदन वाला हुई। आप अनुमान कर सकते हैं सती चंदन वाला के संग में कितनी आर्यकाएं थी। सती चंदन वाला के संग में 35,000 आर्यकाएं थी। 35,000 आर्यकाएं, बंधु आप तो सब जानते हैं कि मुनि की चर्या कितनी सरल होती है और आर्यकाओं की चर्या कितनी कठिन होती है। 35,000 आर्यकाओं के साथ यदि हम मान लें दो भी एक साथ हैं उनकी सेवा में, तो 70 और 35 यानी 105,000 का संग उस समय हुआ करता होगा। तो आप विचार करें कि श्रावक कितने होते होंगे। जो आज हम 40 लाख की बात करते हैं, उस समय जैन धर्म कितना व्यापक होगा। बंधु, रामायण की बात करें तो रामायण जो है मुनिश्वरनाथ भगवान के समय की बात है, और यदि हम महाभारत की बात करें तो महाभारत नेमिनाथ भगवान के समय की बात है। नेमिनाथ भगवान अरिष्ट नेमी के नाम से जाने जाते थे और उनके चचेरे भाई कृष्ण जी थे। कहने का आशय यह है कि ये जो हम महाभारत और रामायण को बात करते हैं या हिंदू धर्म की बात करते हैं, ऋग्वेद ले लो या 18 पुराण ले लो, वैदिक धर्म की, हिंदू धर्म की, सभी में जैन धर्म का ऋषभ देव का उल्लेख होता है। इससे ये प्रमाणित है कि जैन धर्म का इतिहास अन्य धर्मों से बहुत प्राचीन है। एक समय ऐसा ही रहा होगा कि मात्र जैन धर्म पूरे विश्व में होगा, ये जाती शाखाएं तो उसके बाद बनी है। अब मैं आपको बहुत छोटी छोटी सी वानगी देकर अपनी बात को पूरी करूंगा। एक राजा हुए ईसा कुल, एक अजात शत्रु, महान शत्रु, महान राजा पाटलिपुत्र आपने बनाया, और उस समय में ये एक क्षत्र राज था इनका, पर जैन धर्म में इतनी आस्था थी कि उनका जो अंत हुआ वो मुनि धर्म के कारण, मुनि धर्म के साथ हुआ। इसी प्रकार से आप सबने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। ईसा से 500 और 200 वर्ष की पूर्व की स्थिति है। चंद्रगुप्त मौर्य के एक महात्मा होते थे, यानी मंत्री होते थे चाणक्य, जिनका नाम सबने सुना होगा। एक रण क्षेत्र में सूरवीर और एक बुद्धि के क्षेत्र में सूरवीर, दोनों की जोड़ी इतिहास में आज भी नाम से ली जाती है। नंद वंश का नाश करके मौर्य वंश की स्थापना उन्होंने की थी, पर हमारे लिए तो गौरव की बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन के जो उत्तरार्थ जो गुजारा था, जीवन का जो अंतिम समय गुजारा था, वो मुनि धर्म के रूप में गुजारा। बंधु, इतिहास के पन्ने एक एक खोल लो आप, एक एक व्यक्तित्व को देख लो आप, मैं केवल उनके नाम बोलूं तो शाम हो जाएगी। इतने महात्मा, इतने हमारे शासक हुए हैं, इतने हमारे राजनेता हुए हैं, इतने हमारे ईश्वर, हमारे मुनि, इतनी आर्यकाएं हुई हैं कि उनका केवल नाम, उनके कृतित्व के बारे में नहीं। और कृतित्व तो ऐसा है कि एक कृतित्व के बारे में बात करें तो वो एक दिन भी कम है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंशज थे बिंदुसार, उनके अशोक, उनसे कुणाल, संप्रति, टोडरमल आदि बहुत सारे राजा उस समय हुए। एक बात मैं करूं, 804 ईस्वी की अमोघ वर्ष का नाम के राजा हुए, उनके राज्य में 100% लोग शाकाहारी थे, शराब का निषेध था,
आप बताइए, शाकाहारी होते हैं तो क्या कोरोना की कोई विपदा आती क्या? इस कोरोना के जड़ में क्या है? ये मांसाहार है। और हम यहाँ इतने प्रसन्न क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारा जीवन सात्विक है, हम डर नहीं रहे हैं। हमारा डर अन्य लोगों से कम है। जो मांसाहारी लोग हैं वो ज्यादा डर रहे हैं, हम शाकाहारी हैं इसलिए कम डर रहे हैं। अनेक शास्त्रों की रचना आपने की, आपके समय में 7000 श्लोक प्रमाण जय धवला लिखा गया और आपका भी जो निर्माण हुआ, मतलब मैं निर्माण इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने भी मुनि धर्म अंगीकार के इस देह को त्याग किया। देखिए ये पुरुषों की बात है, मैं महिला शक्ति के बारे में ही बात कर रहा हूं। 1200 ईस्वी में दो ऐसी महिलाएं हुई, एक धर्मात्मा महारानी जक्की अब्बे और एक महासती अतिम अब्बे। महासती अतिम अब्बे की बात मैं यहां करूं, गोदावरी नदी भरपूर बारिश पूर पर आ गई, इनके जो परिजन थे, इनको जो सवाजन थे, इनको जो सैनिक थे, वो गोदावरी नदी के उस पार और ये इस पार, वो आने के लिए आ नहीं सकते थे। उस समय साधन बहुत कम हुआ करते थे। सती से कहा तो उन्होंने गोदावरी नदी के पास जाकर बात करी, हे गोदावरी, यदि मेरा सत्यत्व सही है, यदि मेरी धर्मपरायण का फरित सही है, तो मैं आपसे आपको निवेदन है, आज्ञा करती हूं कि आप अपना विकराल रूप शांत करें और शांत हो जाए। ये एक आश्चर्य की बात बताता हूं कि तत्काल गोदावरी शांत हो गई और उनके परिजन इस पार आ गए। ये है सत्यत्व की महिमा, ये है इतिहास की महिमा। बंधु समय कम है, मैं लंबे पुराने इतिहास पर न जाकर वर्तमान इतिहास में आ रहा हूँ। आप सब लोग अनेक बार भाई महेंद्र जी के आमंत्रण पर वो वहाँ गए हैं, ग्वालियर। ग्वालियर की बात करता हूँ, ग्वालियर के महाराज डूंगर सिंह जी ने किले के चारों ओर मूर्तियां ही मूर्तियां, जैन मूर्तियां, अखंड मूर्तियां, कुछ सांगोपांग, कुछ खंडित, और जो पद्मासन प्रतिमा है वहां वो तो 50 फुट ऊंची है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। पद्मासन में उससे ऊंची प्रतिमा नहीं है। ऐसे ही ग्वालियर में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिनके बारे में मैं यहां बात करना चाहूंगा, अमरचंद जी बाठिया। 1867 में, 1857 में, क्योंकि 1857 और 58 आप सब जानते होंगे, लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा था। लक्ष्मीबाई जब युद्ध लड़ रही थी और उनके उसके पूर्व उनको जो है अंग्रेजों ने इतना परेशान कर लिया था कि उनके पास आर्थिक रूप से कमी आ गई थी। अमरचंद जी उस समय कोष का काम देते थे सिंधिया कराने का, इन्होंने अपना सारा कोष दे दिया उनको और 5 महीने तक वो सेना उससे लड़ाई युद्ध करती रही। अंग्रेजों को इसका पता लगा कि ये आखिर कैसे युद्ध कर रहे हैं, तो उनको बुलाया और फांसी पर लटका दिया, चौराहे पर नीम के पेड़ पर लटका दिया और ये कहा कि 3 दिन तक इनकी लाश को नहीं उतारा जाएगा, यानी दहशत फैलाने का काम किया। बंधु ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हुकम चंद जी सेठ इंदौर वालों को बहुत लोग जानते हैं, हमारे जो है बहुत से राजनेता, अमित शाह, एमएच सिंघवी, मोहनलाल सुखाड़िया, प्रकाश सिंह सेठी, सुंदरलाल बटवा, विजय सकलेचा, बहुत लोग हैं, विक्रम साराभाई, अनुराधा पोरवाल, ये ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम बता सकते हैं। मैं अपनी बात केवल 1 मिनट में कहकर बात खत्म करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि ये धर्म अनादि अनंत है और आप सब जैन कुल में जन्म लिया है। बंधु ये जैन धर्म हमें मिल गया है, इस नाम से हम जैन हैं, पर इसको मोहम्मद गोरी, गजनवी, अन्य लोगों ने कितना दुख पहुंचाया है, कितना परेशान किया है, इसका एक उदाहरण देके बात खत्म करता हूँ। एक बार की बात है, Thank you.
ताकि छाए खुशी हर दम। ये है भारतीय जैन मिलन, इसके वीर Thank you.
ऐसे संस्कारित हो जाए हम नहीं होने वाले, होने वाले हैं, होने वाले हैं क्या? क्या एक बार हाथ ऊपर खड़े करके कहे होने वाले हैं? और अब जिस गैंगलैंड महिला मेन जो मुजफ्फरनगर जो आतिथ्य भी इनका था, एक बार जरा इनके लिए ताली बजाकर इनका स्वागत, इनका अभिनंदन। और अब भारतीय गैंगलैन जिसने इतना बड़ा आह्वान किया, उसका इतिहास 10 मिनट के लिए बताने के लिए आएंगे हमारे भारतीय जनमन के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वीर नरेश संजय। हेलो, सभी को मेरा सादर जय जिनेल। मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि सभी परस्पर एक दूसरे के साथ जय जिनेल के सबसे उच्चारण करेंगे सभी एक बार एक दूसरे से, ताकि आपका माहौल भी बने। धन्यवाद सदन। भारतीय जैन मिलन का इतिहास मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, उससे पूर्व एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भगवान आदिनाथ जो हमारे प्रथम तीर्थंकर रहे हैं, उनकी केवल ज्ञान स्थिति का नाम यदि आप बता सकते हैं तो मैं अपना भारतीय जैन मिलन के इतिहास में से प्रारंभ करूंगा। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान स्थिति उत्तर प्रदेश में ही है, इलाहाबाद, इलाहाबाद है, मेरठ, प्रयाग। इलाहाबाद और प्रयाग के अलावा और कोई नाम किसी के जहन में है? हस्तिनापुर नहीं, प्रयाग के लखनऊ से उधर आप पहुंचे हैं, प्रयाग इलाहाबाद के आसपास कहीं पहुंचे हैं, सही नाम चाहिए मुझे, प्रयागराज जी। चलिए बैठ जाइए, अयोध्या भी नहीं है, अयोध्या उनके जन्म आदिनाथ भगवान की अयोध्या भी है जन्म। ठीक है, धन्यवाद। मैं अपना प्रारंभ यहीं से करता हूँ। ये 2 मिनट जो मैंने लिए हैं अपने वक्तव्य में, उसको 2 मिनट को मैं कम करूंगा, अपने सही समय में अपनी बात को मैं समाप्त कर दूंगा। परस्परो गयो जीव नाम के स्तुति से उपजा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका चिंतन और यही चिंतन जन्मदाता है सामाजिक संगठनों का, जिसकी उपयोगिता का साक्षी है स्वयं मानव इतिहास। समय समय पर समाज के प्रबुद्ध वर्ग ने संस्थाओं को जन्म दिया है और उनके माध्यम से समाज की सेवा भी की है, जो आदि से चलता आ रहा है और अनादि तक चलता रहेगा। हमारी पूजा पत्ति में अंतर हो सकता है, हमारे 24 तीर्थंकर एक, उनके सबके चिन्ह एक, महामंत्र नमोकार एक, हमारी पूजा पत्ति में अंतर हो सकता है, उसके बावजूद भी हम कई आमनाओं में बटे हुए पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जिस संस्था के आज बैनर के दिन इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, एकमात्र ऐसी संस्था है जिन्होंने इस मर्म को पहचाना है, उसी का इतिहास मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। जैन बंधुओं के मन में हमेशा से ये भावना रही है कि अलग अलग आमनाओं को मानने वाले सभी देव धर्मावलंबी किसी एक मंच पर आकर संगठित रूप से कार्य करें, यही भावना जैन मिलन का उदय का मूल कारण बनी। इस संस्था में जैन समाज की सभी आमनाओं, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, बीसपंथी सभी बंधुओं को सम्मिलित किया गया। इस एकता की भावना को लेकर अब मेरे बात को सुने, जो प्रश्न मैंने आपसे किया था, इसी एकता की भावना को लेकर उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान आदिनाथ केवल ज्ञान की जो अस्थिनी थी उसका नाम था
पूर्वी तालपुर जो प्रयागराज में स्थित है, पूर्वी तालपुर हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए। प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने हमें असीम कृषि का ध्यान दिया है उसकी ज्ञान स्थिति को हमें जानना चाहिए। प्रयागराज इलाहाबाद का नाम आज है, ये नाम वास्तव में जैन आदिनाथ भगवान की केवल स्त्री का नाम है। पूर्वी तालपुर 21 जून 1953 को जैन मिलन की स्थापना की गई। जैन मिलन की इसी उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए संयोग देखिए कि भगवान आदिनाथ केवल ज्ञान की जो स्थिति थी वो उनका हमारा 1953 में पहली जैन मिलन शाखा की स्थापना हुई। धीरे धीरे वो सभी शाखाओं का एक साथ मिलन हुआ और भारतीय जैन मिलन की 2 मई 1966 को अष्टपद के नाम से जिसको जाना जाता है पूरे देहरादून जो उसका प्रेस द्वार है वहां पर 2 मई 1966 को भारतीय जैन मिलन की स्थापना देहरादून में की गई जिसको अष्टपद का हम द्वार कहते हैं। ये भी भगवान आदिनाथ का हमारे ऊपर एक अनुकंपा है। दिसंबर 1968 में संस्था के मुखपत्र जैन मिलन समाचार जिसके माध्यम से हम अपनी विभिन्न गतियों को देखते हैं उसके प्रकाशन का निर्णय लिया गया। भारतीय जैन मिलन का हमारा केंद्रीय कार्यालय दिल्ली सेक्टर 10 वसुंधरा में स्थित है। अब प्रश्न ये होता है कि मिलन क्या है, आखिर हम क्यों इससे जुड़े। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, युवराज जी ने इतना जन समूह यहाँ पर एकत्रित किया है, आखिर क्या कारण है, हम क्यों जुड़े जैन मिलन से, क्या है इसके पीछे, मिलन क्या है। जैन मिलन एक राजनीतिक निस्वार्थ समाज सेवी और एक पंजीकृत संगठन है। जैन मिलन के सभी वर्ग इसमें सम्मिलित रूप से अपनी भागीदारी करते हैं। विभिन्न जैन आमनाओं को एक मंच पर संगठित करने का ये ऐसा प्रयास है जिसकी वास्तव में आज आवश्यकता है। मिलन के माध्यम से आपसी बंधुत्व, मित्रता, प्रेम और एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार करने की, सहभागिता करने की भावना को बल मिलता है। मिलन तीन शब्द से मिलकर बना है, मी, ले और ने। मी से मित्रता, ले से लगन और ने से नम्रता। ये पूरा इतिहास इसके अंदर मिलन के अंदर समाहित है। अब विकास का एक नया दौर प्रारंभ हुआ जब हमारी 21 शाखाएं होगी। वर्तमान में 1350 शाखाएं पूरे भारतवर्ष के अंदर कार्यरत हैं। संस्था के इस निरंतर स्वरूप को बढ़ता हुआ देख करके बहुत सारे निर्णय लिए गए। वर्ष 1981 में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्षेत्र व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में 19 क्षेत्र पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। दक्षिण में भी हमारा जैन मिलन बड़ी सक्रियता से कार्य कर रहा है। शाखा विस्तार के कार्य क्षेत्र में 1980 में विशेष रूप से उत्तर भारत में एक ठोस निर्णय लिया गया और उसके सार्थक परिणाम हमारे सामने आए। बेलगाम, मैसूर, बेंगलोर आदि अनेक ऐसे स्थानों पर जैन मिलन इकाइयों की स्थापना हुई और वर्तमान में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आदरणीय वीर सुरेंद्र हेगड़े जी के नेतृत्व में दक्षिण क्षेत्र में 150 मिलन शाखाएं सक्रियता के रूप में कार्य कर रही है। हमने युवा शक्ति को भी पहचाना। युवा शक्ति को पहचानने के लिए चूंकि युवा से कहा जा रहा है व्हाट्सएप में लगे हैं वो थोड़ी देर को मेरे साथ हो लें और जो आसपास खड़े होकर के शिखर वार्ता में हैं उनसे भी अनुरोध है कि आज इस मंच से जिस बात को कहने के लिए आदेशित किया गया है वो बात कहने के लिए मैं भी उपस्थित हूँ। मैं सबसे पहले मेरे मंच पर बैठे हुए सभी विद्वत जनों से क्षमा चाहूंगी कि मैं उनके आगे खड़े होकर के, हालांकि व्यवस्था साइड में की गई है लेकिन मंच की व्यवस्था को देखकर मैं उनके आगे खड़े होकर के काव्य पाठ करूंगी या अपनी बात रखूंगी, तो मैं क्षमा चाहूंगी और आप सभी के बीच उपस्थित महत्वपूर्ण बातें आपके बीच करूंगी। लेकिन मेरा मन है कि जो लोग अभी भी यहाँ वहां देख रहे हैं मैं उन्हें एक आश्वासन देती हूँ, आप यकीन मानिए केवल शुरू के 2 मिनट आप मुझे दे दीजिए, बाद के जो 8 मिनट हैं जो शायद 15 में बदल जाएंगे वो 8 मिनट आप मुझसे कहेंगे कि हाँ आपको सुनना है, बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए। लोग आते जा रहे हैं, जो आते जा रहे हैं उनका स्वागत है क्योंकि मंच पर अब मैं हूं तो मुझे स्वागत करने का भी दायित्व मिला है, बस मेरा साथ दे दें। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगी, बेशक अपनी बात इन सभी विद्वानों में दर्ज करूंगी और कहीं इस बात को भी सिद्ध करूंगी कि हाँ मेरी बात भी जैनिज्म को दर्शा सकती है।
जय जिनेंद्र से हम सब शुरुआत करते हैं। संस्कार की बात पहले हुई, सबसे पहले योगा की बात हुई। बेशक जब हम संस्कार, हमारे अंदर जैनिज्म के संस्कार होते हैं और हम देश भर में दुनिया भर में जाते हैं तो लोग एक गर्व की नजर से देखते हैं। आज संडे है, मैं आपको बताती हूँ, मैं जितने बार कहीं खड़े होकर के बोलती हूँ मैं बुंदेलखंड से आती हूँ, लोग अपने आप इस बात का गणित लगाने लगते हैं कि ये पक्की जैनी होगी। और ये बात सही भी है, संस्कार बचपन से डाले जाते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे युवा साथी भी उपस्थित हैं और ये मैं बहुत शुभकामनाओं की बात है, बधाई के पात्र वो लोग हैं जो अपने साथ अपने घरों के युवा को और बच्चों को लेकर के आए हैं। मैं भी अपने बेटे को लेकर के आई हूँ। बहुत सारी बातें मंच से हुई, बेशक संस्कार की बात होती है। मैंने कभी युद्ध किया, मैं जैनिज्म की ही बात कर रही हूँ और क्योंकि मैं वो बातें आपको बताना चाहती हूँ जो पूरे देश भर में दुनिया भर में लेके जाती हूँ। कभी युद्ध शुरू किया, जब कभी युद्ध में शुरुआत में मैं शुरू करती थी तो उसमें जय जिनेंद्र जरूर होता था। आज संडे है, मेरा नमक का त्याग है, बिना मंदिर के मैं खाना नहीं खाती हूँ, जब तक मंदिर नहीं जाती, चाहे शाम हो जाए चाहे दो दिन हो जाए। और ये तब है जब मुझे पूरे देश भर में जाना होता है, अपना परफॉर्मेंस देना होता है, रात भर जागना होता है। ये वो बात है जो हम लोगों को बता सकते हैं कि हम जैन हैं और बताते हुए बहुत गौरवान्वित होती हूँ। मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, मैं कई कई महीने एक आसन करती हूँ। ये संस्कार उस धरती से आए हैं, उस जैन परिवार से आए हैं और तीर्थ क्षेत्र पर खड़े होकर के मैं ये भी जानती हूँ कि एक भी शब्द हमारे मुंह से झूठ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पंच परमेष्ठी और वो पांच थिंग जो हमें जाननी चाहिए, हिंसा झूठ चोरी कुशी परिग्रह, यदि हम केवल इन पांच को भी अपना लें तो कहीं सच्चे मन से हम जैन धर्म को अपना सकते हैं। ये संस्कार बचपन से डाले जाते हैं। मैं जब छोटी थी तो सोकर उठने के बाद पानी तो पीना अलाउड था, लेकिन मेरे घर में मम्मी मेरे से ये कहती थी कि जाओ नहाओ, सबसे पहले मंदिर जाओ, उसके बाद आपको चाय मिलेगी, मतलब चाय भी सबसे पहले मंदिर जाकर के, चाहे नियम है या नहीं है। ये बात जब छोटी थी तो लगता था कि ये तो बहुत जागती हो रही है, छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता ये संस्कार डालते हैं। हम कोशिश करते हैं बच्चों में आए, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे सास ससुर का कि वो लगातार इनमें वो डालने की कोशिश करते हैं। जैन धर्म के संस्कार डालना बहुत जरूरी है। एक और बात आई थी जब पूछा था कि कितनी बहुएं हैं जो अपने सास ससुर के पैर रोज छूती हैं, मैं तो अपनी सास को साथ में लाई हूँ, जिसे पूछना है पूछने जाकर के, लगभग रोज छूती हूँ। लगभग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी मैं यहाँ होती हूँ या कभी नहीं होती हूँ, लेकिन लगभग रोज पैर छूती हूँ। ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं होते होंगे, लेकिन पैर छूने का उससे क्या मतलब है। हालांकि कई बार ये इतनी सार्थक सिद्ध होती है बात, जब आप प्रेम से पैर छू रहे हो और माँ प्रेम से गले लगा ले, यकीन मानिए सारी लड़ाइयां सारे झगड़े उसके सामने छोटे हो जाते हैं। मैं खुद कह रही हूँ इस बात को। खैर, मैं काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार तरीके से, जो लोग खड़े हैं उन्हें जगह नहीं मिल रही है इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि बैठ जाएं, लेकिन आप सबको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। चार पंक्तियों से शुरुआत करूंगी, उससे पहले आप लोग ताली बजाते रहे इस बात के लिए मुझे इसलिए भी कह रही हूँ, नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं है, अभी पहले सुन करके बजाएं। ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अनामिक अंबर काव्य पाठ करें, हाथ खड़ा करें केवल, अब इन हाथों को तालियों में बदल दें। क्या बात, आदरणीय धीरेन्द्र जी ने बहुत शानदार योगा आप लोगों को बताए, हंसने के योगा बताए, सब तरह के योगा बताए, लेकिन देखिए हर बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, यदि सही ज्ञान ना हो तो गड़बड़ हो जाती है। वो बाबा जी एक बार टीवी चला करके योगा करने बैठ गए, सुबह सुबह उन्होंने टीवी खोल दी, अब सामने बाबा रामदेव जी, उन्होंने कहा सांस खींचो, दादाजी ने सांस खींची, वो बोले और खींचो, दादाजी ने और खींची, ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा और खींचो, दादाजी ने और खींची, इतने में लाइट चली गई। जब लाइट आई तो दादाजी खींच चुके थे। कई बार ऐसी घटना है, इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान होना इसलिए भी जरूरी है, आजकल
पुरुषों को महिलाओं को बहुत शौक है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में अपने आप को एंगेज रखने का, लेकिन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं उस बारे में भी बात करूंगी, आपके बीच हूँ, कुछ बातें अच्छी करके जाऊंगी और यकीन मानिए आपका स्नेह लेकर के भी जाऊंगी। मैं बता रही थी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए हर बात को सोच समझ के करें। अब आप लोग मेरी हर बात पर, हर पंक्ति पर ताली बजाएंगे। इसके लिए महिलाएं सबसे ऊपर एक बार अपना एक हाथ ऊपर करें, सिर्फ महिलाएं, पुरुष ना करें। नहीं डांटिए मत, उन्होंने खुद को महिला समझ लिया। महिलाएं अब इसमें अपने पति को देखें, अब दूसरे हाथ को इसमें रखें, जोर जोर से ताली बजाएं। एक बार बताइए, आप पुरुष अपने हाथ को ऐसे करें, नहीं पत्नी को नहीं देखना है, उस बिचौलियों को देखना है जिसने आपकी शादी कराई है। अब एक बार सारा सदन मिलकर के जोरदार तालियां बजाएं, क्या शानदार सुन रहे हैं। मैं योगा करवाने नहीं आई हूं, मैं तो केवल ये कह रही हूं कि जहां मौका लगे हंसना जरूर चाहिए। बहुत आराम से आप लोग बैठे हैं, बस ऐसे ही बैठे रहे। मैं चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। मैंने ये चार पंक्तियां अभी अभी यही आकर के इसी मंच पर यही बैठकर लिखी हैं, और आदरणीय सर हिला रहे हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ मैंने देखी थी लिखते हुए, आप सीख तब भी नहीं पाएंगे, लिखूंगी मैं ही। सुनेगा, मैं पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। गर्वित होता जिसको पाकर बच्चा बच्चा चैन धरो, गर्वित होता जिसको पाकर बच्चा बच्चा जैन धर्म, गर्वित होता जिसको पाकर बच्चा बच्चा जैन धर्म, खुद से खुद को मिलवा दे जो सबसे अच्छा जैन धर्म, खुद को खुद से मिलवा दे जो सबसे अच्छा जैन धर्म, को यही है सच्चा जैन धर्म, जय जिनेंद्र की मुद्रा देखो यही है सच्चा जैन धर्म, जय जिनेंद्र की मुद्रा देखो यही है सच्चा जैन धर्म। बहुत आभार, नई पंक्तियों को आपने इतना मन दिया। मैं चार पंक्तियां और कहती हूँ, जिन पंक्तियों ने कहीं मुझे पहचान दी, आपने कई बार उन पंक्तियों को सुना होगा, लेकिन मैं उनसे शुरुआत करना चाहती हूँ और अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगी। सुनिएगा कि जहां पर देव दर्शन हो, क्या बात, आपने ही लिखी थी वो, तो मुझे गिफ्ट हो गई। लेकिन यकीन मानिए मैं हर बार इन्हें पढ़ती हूँ, ये पंक्तियां आप मेरी नहीं आप सबकी हैं, जिन्हें याद हो मेरे साथ गुनगुनाए और मैं यहां से अपनी वंदना की शुरुआत करती हूँ। कि जहां पर देव दर्शन हो वही भाव पार होता है, जहां पर देव दर्शन हो वही भाव पार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है, मुझे लगता नहीं नमकार से ऊंचा यहां कोई। आप सबके हाथ तैयार हो, तैयार हो के मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है। बहुत धन्यवाद। आप लोगों को याद हो 2019 में जब हमारे मुनियों के, हमारे गुरुओं के, हमारे तीर्थों के दर्शन करने के लिए राजनेता पहुंचे थे, आप सबको याद होगा, अर्घ चढ़ाए और उसके बाद रिजल्ट आप सबके सामने। मुझे ये कहते कहते अचानक से मोदी जी की याद आ गई। आप सबने देखा होगा व्हाट्सएप पे कई बार मैसेजेस आप लोगों के पास पहुंचे होंगे, नारियां सिर हिला रही हैं, मैं इस बात से अभिभूत हूँ। पुरुष भी व्हाट्सएप पे रहते तो होंगे, सभी सब रहते हैं। कई बार मैंने कहा ना ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कई
कई बार गलत ज्ञान से गलत बातें हो जाती हैं, इसलिए आप लोग हर बात पर हर मैसेज पर विश्वास ना करें। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई हैं जो मैं पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, सुनिएगा। कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हर बात पर विश्वास ना करें जब तक ज्ञान ना हो। चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। मैं ये सब नहीं सुना रही, मुझे तो केवल वो सुनाना है जिसके लिए मैं उपस्थित हूँ। मुझे तो वो बात याद आई, मोदी जी ने जब आचार्य गुरु विद्या सागर जी के समक्ष अर्घ चढ़ाया, उन्होंने हमारे तीर्थों के दर्शन किए, उसके बाद जो बात उन्होंने, जो चेंज, जो बदलाव पूरे देश ने देखा, आप सबने भी देखा, मैं इस बात से अभिभूत हूँ। माने या मत माने, लेकिन जो लोग जैनिज्म को मानते हैं, जो जैन धर्म से हैं, वो इसे मानते हैं, लेकिन जो लोग जैन धर्म से नहीं हैं, वो अंदर खाने किसी न किसी कारण से जैन धर्म को जरूर मानते हैं। इसलिए ये गर्व करने वाली बात है कि हम जैन धर्म से हैं। इसे गर्व से कहा जाए, केवल और केवल चाहे कोई कुछ भी कहता हो, हमें जय जयेंद्र जरूर कहना है, चाहे हम टीवी पर हो, चाहे हम इस भीड़ में हो, चाहे हम मंच पर हो, चाहे हम कहीं भी हो, हमें जैनिज्म जैन धर्म जरूर कहना। नारियां उपस्थित है, एक और बात कहती हूँ, उसके बाद काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। एक छोटी सी बात जो मैं हर मंच पे कहती हूँ, चाहे मैं जैन हूं या नहीं, जितनी लड़कियां हैं, जितनी यंग लड़कियां हैं, उनसे एक अनुरोध है, हर बच्चा उस गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जो गोद उसके माता पिता की होती है, जो गोद उसके परिवार की होती है। छोटा बच्चा वहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यकीन मानिए, मैंने इस काम को किया है, मैं जानती हूँ जितनी भी आज के दौर की, इस समय की लड़कियां हैं, उनसे ये अनुरोध है, अनामिका कह रही है, ये अनुरोध है कि अपने लिए जब आप वर चुनने जाएं तो केवल और केवल जैन धर्म में चुनने जाएं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं जानती हूँ इस बात को, मैं हर वो बात वही बात कहूंगी जिसको मैंने किया है और जो जो मैं जानती हूँ। अच्छा, मुझे मोदी जी से याद आया, पिछले दिनों उन्होंने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक तुलना कर दी, आप सबने देखा होगा। रेणुका चौधरी जी को देख करके उन्होंने कहा, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तालियां संभाल के रखें। मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है, लेकिन धर्म की बात है तो मैं एक वंदना आपके बीच रखती हूँ और अपने मन की बात कहती हूँ, सुनिए। कि जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण जिसके कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय। पीछे वाले लोग, जो लोग अभी तक हाथ बांध के बैठे, उनसे भी अनुरोध है कि हाथों को उठाकर आज मौका दिया है जैन धर्म ने हमें इस बात का कि हम गर्व कर लें कि हम किस धर्म से हैं। मुझे तो पूरी दुनिया में कहते हुए गर्व होता है, यदि आपको भी होता है तो मेरे साथ सम्मिलित हो, हम सब मिलकर के इस बात को कहते हैं। कि जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण जिसके कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जय में आपको जय बोलना ही है। कि जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण जिसके कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की, तो बोलो जैन धर्म की, हाँ बोलो जैन धर्म की। क्या बात, कि सिंह गाय को एक घाट पर जब जल पान कराए,
जब जल दान कराया, सब जीवों को जीने का अधिकार हमें समझाया, अधिकार हमें समझाया, जीवन की छट जाए धूप पाऊं तुम जैसा ही रूप, जीवन की छट जाए धूप पाऊं तुम जैसा ही रूप, हो जाए कर्मों का क्षय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। अभी याद आ गया, चाचा जी ने कहा हम अपने नाम के आगे जैन भी नहीं लगाना चाहते। मैं आपको बताती हूँ, हम लोग सिंघई कहलाते हैं बुंदेलखंड में, और बहुत सारे ऐसे गोत्र होते हैं जो हम लोग लगाते हैं। मेरा एक और अनुरोध है, जिस दिन से ये पता चला कि जैनिज्म का क्या महत्व है, जैन का क्या महत्व है, पूरे देश में अनामिका जैन, क्योंकि अंबर नाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने दिया था और वो मेरे लिए उपहार है, इसलिए अनामिका जैन अंबर के नाम से जाती। हम पहले ही इतने हैं, एक बार और एक हो जाएं तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर, ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो। कितने लोग सहमत हैं? नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर, ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो, सभी बराबर दिखने जिसमें पहना वो ऐनक हो, पहना वो ऐनक हो, बनकर वीरा की संतान होकर जैन धर्म की शान, बनकर वीरा की संतान होकर जैन धर्म की शान, हम है एक करो निश्चय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। जबल महावीर भगवान की, जबल वैद्य के पार्श्वनाथ भगवान की। अंतिम बात कह के मैं अपनी जगह लेती हूँ। मैं जानती हूँ, मुझे पता चल जाता है। हालांकि आप लोग भी सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, तो नारियां अपनी आवाज को बुलंद करें, कब तक सुनती रहेंगी, आप वीरांगनाएं हैं, समझें। मैं अंतिम बात कहती हूँ, मुझे समय की सीमा का आभास है और अनुशासन में रहने का भी एक कार्य जो जैन धर्म करता है वो हमें सिखाया गया है। बेशक से यहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मेरे पास बहुत सारी बातें, अंतिम अंतिम केवल 8 लाइन सुना करके मैं अपनी जगह लेती हूँ। एक बात कहना बहुत जरूरी है, जैन धर्म ने बताया आप जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। केवल एक बात कहती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले एक घटना घटी, आपको बहुत अच्छी लगेंगी सुनिएगा, क्योंकि आपके मन की बात है। कि त्रागी तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। चौथी पंक्ति, यदि आपको लगे कि केवल जैनिज्म में बताया गया है या धर्म में बताया गया है कि आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलना तय है, तब मैं आपसे कहती हूँ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया, वान समय ने मांग लिया, मांग रहे थे कल तक जोहा प्रमाण राम के होने का, अब हाँ तैयार हो, कि मांग रहे थे कल तक जोहा प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। और कहती हूँ और आप सबसे अनुरोध करते हुए अपनी जगह लेती हूँ कि कोरोना नाम का जो वायरस है या जो बीमारी है, महामारी है, जिसको पैंडेमिक घोषित कर दिया गया है, वो उसमें एक कारण नॉनवेज खाने का भी है। हम तो वो संस्कारी लोग हैं जो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। यदि कोई कभी कहता भी है कि उन जैन को ऐसा करते हुए देखा है, तो आपसे अनुरोध है आप तब ये स्वीकार मत करना, ये कह देना कि वो जैन नहीं होगा, ऐसा किया होगा। यदि वो जैन है तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता, हम सोच ही नहीं सकते। तब कहती हूँ कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना,
पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहे। मुझसे कहा है, कौन आया विदेश से, कई आए हैं, कि अनामिका तुम सार्वजनिक रूप से इस बात को मत कहा करो, तुम हर मंच पे जाती हो और ये वीडियोस चलते हैं, कहीं अच्छा नहीं लगता, तुम्हें हम लोगों में बैठना होता है। उसके बाद भी मैं नहीं मानती और कहती हूँ, और ये कहते हुए अपनी जगह लूंगी, आपका आशीष चाहिए कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान। देखिए अनामिका अमर जी जो चाहते तो ये है कि पूरा दिन लग जाए और हम उन्हें सुनते रहे, और हमारे मामूली से आमंत्रण पर वो यहाँ हमारे बीच सम्मिलित होने के लिए आई है। बाजरा जोरदार तालियों से आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। और इनके पति हम सब के प्रिय श्री सौरभ सुमन जी का आज जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजा कर उनके लिए हम सब शुभकामनाएं दें। और मैं अब देखिए, चूंकि हमारा ये सूचीबद्ध कार्यक्रम है, हम इसको जिले आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। अभी अनामिका जी ने जैनत्व के विषय में अपनी बात रखी, मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, बस फर्क इतना है कि उन्होंने काव्य में कही, मैं अपने शब्दों से अपनी बात आगे रखूंगा। जब हम जैन समाज की या जैन धर्म की बात करते हैं तो हमारी नजर जाती है जैन समाज के समृद्ध इतिहास पर, हमारे हजारों मंदिर जिनमें लाखों प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो बहुत अतिशयकारी है, चमत्कारी है। इसी प्रकार हमारे आचार्य द्वारा रचित अनेक ग्रंथ, अनेक सूत्र, अनेक शास्त्र हमारे मंदिरों में और स्थानों में विराजमान है। लेकिन कालांतर में हमारी कुछ व्यक्तियों की पूजा पद्धति में कुछ अंतर आया, और हम दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी के रूप में कुछ थोड़ा अलग हो गए। लेकिन फिर एक और बदलाव आया, हमने उसमें भी फर्क कर लिया। ठीक है, मेरा अनामिका अम्मा जी से निवेदन है थोड़ा सा, और अन्य लोग जो उनसे के साथ सेल्फी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि वे हमारे साथ सहयोग करें। ये हमें बड़ी, हम अनुशासन के नाम पर कुछ महसूस करना नहीं चाहते, क्या व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी छिन्न करना चाहते हैं, प्रयास कोई करता है उस प्रयास को भी सहयोग करना नहीं चाहते, थोड़ी सी आकुलता ना करें, अनुशासन बनाए रखें। हाँ जी अजय जी, आप अगर 5 मिनट भी ध्यान देंगे तो बहुत, आपके मतलब की, समाज के मतलब की बातें, हम सभी समाज के सिपाही यहाँ पर बैठे हैं। कालांतर में जो हमारे पूजा पद्धति में बदलाव आया उसको हमने अलग अलग सेगमेंट में बांट लिया। दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी के बाद हमने उसमें 20 पंथी एक और ढूंढ लिया, और उसके बाद आगे चले हमने उसमें ओसवाल पद्मावती पुरवाल लमेचू न जाने कितने समाजों में अपने को बांट लिया। हम सभी उसी समाज से अलग अलग बैठे हैं। 2011 में जो जनगणना हुई उसमें हमारी जैनों की जनसंख्या 44.5 लाख आई। यदि हम अलग अलग समाजों के सेगमेंट की जनसंख्या देखें तो एक समाज की जनसंख्या 2 या 3 लाख बैठती है। आप देखें क्या स्थिति है, अगर हम अपने आप को अलग अलग समाज में बांट लें तो हमारे समाज की जनसंख्या, अगर मैं ओसवाल हूं तो मेरे समाज की जनसंख्या 2 या 3 लाख या हो सकता है 50,000 भी। तो देखिए हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। भारतीय जैन मिलन ने अपने प्रारंभ से, अभी भी नरेश जी ने बताया, भारतीय जैन मिलन ने प्रारंभ से एक नियम लिया कि हम पूरे से जैन समाज को एक करके रहेंगे। हमारे भारतीय जैन मिलन में पूरे जैन समाज जो नमोकार मंत्र को ध्याता है, 24 में विश्वास रखता है, वो जैन समाज का सदस्य है, भारतीय जैन का सदस्य है। इसी भावना को लेकर
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋतुराज जी ने जो बहुत दूरदर्शी है एक परिकल्पना की कि हम प्रति माह एक मंच पर बैठे किसी भी सेगमेंट उसमें हो हम प्रति माह प्रत्येक नगर में एक मंच पर बैठे एक घंटे के लिए बैठे। आप समझिए कि मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मासिक मिलन की। आज 100 शहरों से अधिक नगरों में मासिक मिलन का आयोजन किया जा रहा है, उसमें एक घंटे का बिल्कुल शेड्यूल्ड प्रोग्राम है। ठीक 8 बजे शुरू होता है, 9 बजे समाप्त हो जाता है। उसमें आधा घंटा नवोकार मंत्र का जाप होता है, 10 मिनट समाचार और समाज से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। उसके पश्चात 10 मिनट वक्ताओं को बोलने का अवसर मिलता है और 10 मिनट प्रमुख वक्ता को बुलाया जाता है। ये एक मंच भारतीय जैन मिलन ने पूरे समाज को उपलब्ध कराया है। आप देखिए कि यदि हमारे मुस्लिम भाई प्रति जुमे को एक बार मिल सकते हैं, हमारे ईसाई बंधु प्रत्येक रविवार को एक बार एकत्र हो सकते हैं, तो क्या हम जैन बंधु पूरे माह में सिर्फ एक बार नहीं मिल सकते घंटे के लिए? यह समाज को सोचने का विषय है, समाज को एकत्र करने की बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार अलग अलग सेगमेंट में बटे रहेंगे, हमारे तीर्थों की रक्षा कैसे होगी, कैसे हमारे तीर्थों का संरक्षण होगा, हमारे साधुओं के आचार उनकी चर्या उनका विहार कैसे होगा, यह बहुत सोचने का विषय है। आप सभी बंधुओं गंभीरता से इस विषय पर विचार कीजिए और अपने अपने नगर में जो मासिक मिलन आयोजित होता है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और उसमें पूरी सहभागिता अपनी रखें। अलग अलग मंदिरों में जाएं, सभी स्थानकवासी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अपने स्थानक में भी मासिक मिलन का आयोजन करें और पूरा जैन समाज एकत्र होकर मासिक मिलन को अगर हम इसको सार्थक करेंगे, इसको हम सफल बनाएंगे, तो पूरा जैन समाज एक होने का मंच है। 4 वर्ष हो गए हैं मासिक मिलन को प्रारंभ हुए, इस 4 वर्षों में 48 मासिक मिलन का आयोजन अलग अलग नगरों में हो चुका है और 3 बार हमने इसका महामासिक मिलन का आयोजन किया है। इस बार 4था महामासिक मिलन महावीर जयंती के अवसर पर 4 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच आयोजित होना है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने नगर में 4 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच महामासिक मिलन का आयोजन करें और पूरे समाज को एक मंच पर आने का अवसर दें। सदियां आपको याद करेंगी कि आपने जैन समाज को एकत्र करने के लिए कुछ प्रयास किए थे और वे प्रयास हमारे भविष्य में सार्थक होंगे। ऐसी भावना के साथ मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि इसमें सहयोग करें। वक्त कम है जितना दम है लगा दो, वक्त कम है जितना दम है लगा दो, कुछ को मैं जगाता हूं कुछ को तुम जगा दो। इसके लिए पहले तो खुद जगना जरूरी है, जब हम ही नहीं जगेंगे हम सोए रहेंगे तो दूसरे को क्या जगाएंगे। ये अनिल जी मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? खुद जगेंगे या नहीं जगेंगे? देखिए अब राष्ट्रीय जनगणना होने वाली है, हमारे लिए अब सोचें कितना बड़ा अहम विषय है या नहीं। पहले तो जगना ये जरूरी है, तो इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री महेंद्र जैन जो ग्वालियर से हमारे मध्य बता रहे हैं। महेंद्र जैन आदरणीय वीर और वीरांगनाओं, आप सभी रोज टीवी के माध्यम से अखबार के माध्यम से जैन मिलन की सभी मीटिंगों में सुनते हैं कि जनगणना होनी है, लेकिन मुझे मालूम है कि जनगणना के जो बारीक बिंदु हैं शायद हम में से कोई भी यहाँ परिचित नहीं है। जनगणना होती क्या है, हमको यदि केवल मुजफ्फरनगर के जैनियों की गणना करनी हो तो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है, और यदि पूरे भारतवर्ष के व्यक्तियों की संख्या करनी हो कितना बड़ा काम है। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये अपने आप में एक कानून भी है और हम सबको इस कानून
कानून की बाध्यता का पालन भी करना है। ये जनगणना जो की जाती है उसका कोई हिसाब किताब कैसा होता है, इसका बाकायदा एक रजिस्टर होता है गवर्नमेंट के पास में, जिसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहा जाता है, जिसे हम जनगणना कहते हैं। जनगणना में ये जनगणना होती कब है, इसका प्रारंभ कब हुआ, सन 1872 में पहली बार भारत देश की गणना हुई कि भारत देश में कितने लोग रहते हैं, और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ये जनगणना होती रही, और अब ये 16वीं जनगणना होनी है, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। इस 16वीं जनगणना में पहली बार कुछ विशेष कार्य होने वाले हैं। ये जनगणना जब 2010 और 11 में जनगणना हुई थी, उसके रिजल्ट, उसका प्रकाशन होने में, उसका डाटा इकट्ठा होने में लगभग 5 वर्ष लगे थे, और 5 वर्ष के बाद वो रजिस्टर प्रकाशित हुआ था। जब वर्ष 2020 में जो जनगणना हो रही है उसे जनगणना 2021 कहा जाएगा, और ये जनगणना पूरे भारत देश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अप्रैल से शुरू होने वाली है, और पूरे भारत देश में अप्रैल से लेकर सितंबर तक ये जनगणना हो जानी है, इसका प्रथम चरण संपन्न हो जाएगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये विषय कोई हमारे जेनियों से संबंधित अकेला नहीं है, ये विषय हमारे सबके सामान्य ज्ञान का विषय भी है कि आखिर जनगणना होती क्या है, ये जनगणना 10 वर्ष में क्यों होती है। ये जनगणना इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसका डाटा इकट्ठा करने में 1 साल लग जाता है। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो 1200 करोड़ रुपया यानी 12 अरब रुपया हमारा भारत देश का खर्च हुआ था, और इसमें लगभग 3 लाख कर्मचारी लगे थे, तब जाकर भारत की जनगणना हुई थी। और अब जो 2021 की जनगणना होनी है, इसमें 1200 करोड़ रुपया, 12000 करोड़ रुपए जो खर्च होना है, लगभग 120 अरब रुपए का हमारा जो बजट है पूरे भारत देश का, वो इसमें खर्च हो जाना है। तो ये कोई हर साल संभव होना संभव नहीं है, इसलिए जनगणना 10 वर्ष में होती है। इस जनगणना में, इस वर्ष जो होने वाली जनगणना है उसकी विशेषता क्या है, मेरा बहनों से निवेदन है जो व्हाट्सएप पर लगी हुई है, कि जो 2021-20 की जनगणना हो रही है, ये जनगणना आप अपना डाटा स्वयं मोबाइल पर भी, इंटरनेट पर भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास हमारे शासकीय पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी आपके पास आएंगे, लगभग 19 लाख कर्मचारी इस काम में जुटे होंगे, जो आपके घर पर दस्तक देंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, आपको कौन सी बातों की जानकारी देनी है, जो जानकारी ली जाती है वो आपके घर में मुखिया कौन है, आपके घर में पुरुष सदस्य कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, उनकी उम्र क्या है, वो कौन सा व्यापार करते हैं, मकान आपका घरू है, मकान आपका किराए का है, मकान आपका साधारण है, झुग्गी झोपड़ी का है, आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, आप सर्विस पेशा हैं, इन सब की एक गणना की जाएगी। आपके घर में पानी कहाँ से आता है, आपके घर में जो है दूध कहाँ से आता है, ये सभी चीजों की गणना उस जनगणना में पूछी जाने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होने वाली है कि आपसे आपकी जाति और आपका धर्म पूछा जाना है। पूरे भारत देश की गणना का ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि सरकार जो योजनाएं बनाती
हमारे देश में बालिकाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितनी हैं, ब्राह्मण कितने हैं, जैन कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ये सारी जब जनगणना होती है तब योजनाएं बनती हैं, और जब योजनाएं बनती हैं तब फंड निर्धारित होता है और उन फंड का क्रियान्वयन होता है। तो ये एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर हम जा रहे हैं कि हम जब तक ये बात उसमें डालेंगे नहीं जनगणना में कि हम कितने जैन हैं, हम कितनी जैन महिलाएं हैं, हम कितने जैन पुरुष हैं, ये सारा डाटा हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हमारी शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये सारे बिंदु उसमें जाना है और इन बिंदुओं के आधार पर ही आपके समाज का मापदंड निर्धारित होगा। पहले क्या होता था कि लोग अपने आप को बड़ा चढ़ाकर लिखते थे, वर्तमान में समय आ गया है कि अपने को बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, वास्तविक स्थिति की जानकारी देनी है। यदि हमने बहुत बड़ा चढ़ाकर कुछ लिखा तो हो सकता है कि हमारे को जो फंड अलॉटमेंट होना है उसमें कुछ कमी हो जाए। हमें अपनी वास्तविक स्थिति, ये एक वाकई में पुण्य काम है, मोदी जी ने कहा है कि इसे हम सब एक पुण्य काम मानकर अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये काम सफल होगा। और जब हम अपने आप को महेंद्र कुमार जैन लिखेंगे, टोंगिया नहीं लिखेंगे, महेंद्र कुमार जैन टोंगिया लिखेंगे, और हम अपना धर्म जैन लिखेंगे, तो निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में हमारी जैन गणना जो पहले 6.5 करोड़ हुआ करती थी वापस वर्तमान जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए हो सकता है 8 करोड़ से ऊपर भी पहुंच जाए। तो मेरा निवेदन कि हमें आज एक संकल्प लेके जाना है कि हम जैन लिखें, अपना धर्म जैन लिखें, हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो शासन प्रशासन देश राज्य नगर स्तर पे हमारा वर्चस्व बढ़ेगा और चतुर्मुखी शासन प्रशासन हमारे हाथ में होगा। आप इस बात के महत्व को समझें, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। देखिए जरा मंच को जरा ठीक करे मनोज जी, धरेंद्र जी आप आ जाए, राजेश जी अभी आप नहीं जाए। भैया आप ही जाए, नीचे आ जाए भैया, दोनों हमारे बोल रहे। देखिए जो खड़े हैं अगर बैठ जाएंगे तो ठीक रहेगा। जो प्रदीप जी, निर्मल जी, मैं नाम ले लेके बोलूंगा क्या फायदा होगा, पीछे इधर खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं भाई, जाए ना प्लीज। जो इधर खड़े हैं भाई साहब प्लीज आ जाए। रविंद्र जी बताएं कुछ कहना हो बताएं, क्या ढूंढना है। देखिए जो भी घूम रहे हैं बैठ जाए, इसे कोई ऐसा हो कोई आप गार्डन ना बनाए कि जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ देर का कार्यक्रम बाकी बचा है। अब मिलन गीत प्रस्तुत करेंगी वीरांगना कबीरा। आशा कृष्णा और लाल सा में मत ये उलझाओ, आशा
जैन मिलन, भारतीय जैन मिलन, भारतीय जैन मिलन, भारतीय जैन मिलन। करो तुम समता का हर प्राणी से प्यार करो, व्यवहार करो तुम समता का, तभी होगा दूर साथियों वातावरण विषमता का, तभी होगा दूर साथियों वातावरण विषमता का। इसीलिए तो जैन मिलन ने संविधान बनाया है, चार पंथ एकत्रित करके जैन धर्म अपनाया है। भारतीय जैन मिलन, भारतीय जैन मिलन, भारतीय जैन मिलन, भारतीय जैन मिलन। अब इन वीरांगनाओं के लिए मैं ताली बजाकर आपका स्वागत करता हूं। देखिए अब हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। मैं 5-4 मिनट बोलने वाला हूं, इसके पश्चात डॉग निकलने वाला है, उसके बाद में समापन होने वाला है। अब यहां पर जितने हमने आज का ये जो आयोजन किया, हमारे जितने भी जैन मिलन के वीर वीरांगना यहाँ एकत्रित हुए, अगर आपको आकर अच्छा लगा तो एक बार ताली बजाकर हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा दें। हमारा मकसद केवल एक है कि हमें सबसे पहले हमें और उसके बाद में हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में उस अनादि अनंत धर्म के संस्कार पैदा हों। हम जैन तो है लेकिन संस्कार भी पूरे हमारे हैं या नहीं है, हमारी पहचान भी है या नहीं है, हमारे मन में यह भाव हो कि हम गर्व से कहें कि हम जैन हैं। एक बार जरा ऊपर हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके मुट्ठी को भींच कर कसकर पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत मेरे शरीर के अंदर है वो मुट्ठी में आनी चाहिए और मेरे मन के अंदर संकल्प आना चाहिए, मुझे गर्व होना चाहिए। हम कहे मैं कहूंगा मैं, हम एक है, हम क्या और कस के आनंद नहीं आया, हम। और देखिए हमने यहां पर जितने विषय आपके सामने रखे हैं उन विषय के लेकर हमने यहां पर संकल्प पत्र छपवाया है। संकल्प पत्र किस किसने देखा है, हाथ चले करे। अच्छा भरा किस किसने, सबने नहीं भरा। अब मैं आपको दोहराता हूं, आपके अनुरोध ना चाहूंगा। नंबर एक, मैं प्रतिदिन मंदिर या स्थान तक जाऊंगा या जाऊंगी, हाथ चले करे। सब नहीं करेंगे, हाथ खड़े करे। मैं प्रतिदिन मंदिर या स्थान तक जाऊंगा जाऊंगी, जब ऊपर हाथ खड़े करे ना। और बच्चों सहित परिवार जनों को इसके लिए प्रेरित करूंगा करूंगी। तैयार हो आप, ये बात ताली बजा दे। नंबर दो, मैं अपने मोबाइल में जय जिनेंद्र की धुन गीत लगाऊंगा या लगाऊंगी, इसके लिए कौन कौन तैयार है, क्या हाथ ऊपर करे। सब नहीं लगाएंगे, कहीं ने हाथ खड़े नहीं किए, क्या हाथ खड़े करे। देखिए हमारे वो नहीं कर रहे पीछे, भाई साहब कुछ नाराज है क्या। हाँ जा, एक बार सभी हाथ खड़े करके मेरी बात का अनुभव ना करें। मैं अपने निवास के बाहर जय जिनेंद्र की पट्टी लगाऊंगा लगाऊंगी, बड़ी बात। मैं अभिवादन में जो अनामिका अंबल जी भी कह रही थी, जय जिनेंद्र बोलूंगा बोलूंगी, क्या एक बार बोल तो दे, क्या जोर से बोले, भारत की जनगणना में धर्म और जाति के कॉलम में
जय नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? मैं अपने नगर में हो रहे मासिक मिलन में सम्मिलित होने का पूर्ण प्रयास करूंगा, करूंगी। हाँ जी, जरा हाथ खड़े करे। नहीं, ये देख लीजिए, जरा हाथ जरा देख के खड़े करना, हाथ जरा देख के खड़े करना। देखिए, बहुत ने हाथ खड़े नहीं किए, जरा सब हाथ खड़े कर दो। मासिक मिला महीने में एक बार। देखो, किसी ने दो दो हाथ खड़े करे, या पीछे भी हाथ खड़े कर दे। हाँ, या एक बार या ताली बजाकर मेरी बात के अनुमोदन कर दे। और जैन जन द्वारा घोषित मंदिर स्थापक में काल सेवा करूंगा। काल सेवा करना अच्छा है या नहीं है? मंदिर स्थापक की सेवा करना अच्छा है या नहीं है? उसकी सफाई स्वच्छता करना अच्छा है या नहीं है? शास्त्रों की सेवा स्वच्छता करना अच्छा है या नहीं है? मैं मोबाइल पर जो नेट देखते हैं, मोबाइल नेट कितने लोग देखते हैं? जरा एक बार हाथ खड़े करे। नेट का प्रयोग कौन कौन करते हैं? मैं उस नेट पर जैन धर्म के गौरवशाली इतिहास की जानकारी लूंगा और दूसरों को भी। जरा हाथ खड़े करे, एक बात मेरी अनुमोदना करे। जरा मेरा प्रयास रहेगा, ये मुश्किल काम है। मंदिर जी में अवसर मिलने पर प्रचार या स्थानक में समाई की गई, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। हाथ खड़े कर दे, नहीं है या हाथ ऊपर खड़े कर दे। तो मैं ये मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं माता पिता के रोजाना चरण स्पर्श करूंगा। जहां गलत जिसके है, जिसके घर पर है, जिसके घर पर रहते हैं साथ साथ चलेंगे। ये तो सबसे मुश्किल काम है, ये बहुओं के लिए है। अनामी का ये तो कर लेंगे। मैं प्रतिदिन सास ससुर के चरण स्पर्श करूंगी। कौन कौन करे करते हैं? नहीं करेंगी। सास कह रही है कि नहीं करेंगी? सास कह रही है कि नहीं करेगी? अच्छा, करेगी तो एक बार हाथ खड़े कर दे तो ऊपर। आज यार ताली बजा कर मेरी बात के मोड़ न करे। मैं एक बात समझ लीजिए, अगर आपको लगता है जैन मिलन समाज के एकता एवं जागृति के लिए एक आंदोलन है, आपको लगता है या नहीं लगता है? जब लगता है तो जब ताली बजा कर मोड़ न करे। अतः अपनी मिलन शाखा की बैठकों में, कार्यक्रमों में नियमित रूप से जाऊंगा, जाऊंगी और अपने मित्र जनों को इसका सदस्य बनाऊंगी। अच्छा बताइए, आप में से जैन मिलन के मेंबर कौन कौन है? एक बार बताइए। आप इतना विशाल समूह जैन मिलन का सदस्य है। एक संकल्प के साथ हम यहां से जाएंगे और जो ये जो फॉर्म है, देखिए आप संकल्प लेकर जाए। ये जो फॉर्म है इसमें जो ऊपर ये परफोरेटिंग हुआ हुआ है, इसे फाड़ दिया जाएगा। ऊपर नाम पता इसको तो आप बॉक्स में डालकर जाइए और इसे नीचे वाले को जो संकल्प लिया है आपने, इसे अपने साथ लेकर जाइए, जिससे कि आपको काहे के लिए लेकर जाएंगे? ये किसके लेकर जाएंगे? जिससे कि आपको याद रहे। कौन कौन बदल जाएगा? या एक बार हाथ खड़े करे। सब नहीं लेकर जाएंगे या ऊपर हाथ खड़े करे, चाहे वीर हो चाहे वीरांगना हो। तो अब लकी ड्रॉ जो चार मनोज जी बताए। मिलन के 54वें अधिवेशन में, इस 81वें अधिवेशन में भारत से पधारे सभी प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव महसूस कर रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में भी आपका इस समूह में आना, इतनी बड़ी समूह में आना, एक जैन मिलन के प्रति बहुत ही बड़ा, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हमारा भारतीय जैन मिलन ऊंचाइयों को छुएगा। इस अधिवेशन में
हमारे मन वचन का ऐसे किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो, आवास व्यवस्था में कोई कष्ट पहुंचा हो, भोजन में कोई कष्ट पहुंचा हो, या किसी भी व्यवस्था में भी हमारे किसी भी कार्यकर्ता से कोई भी ये सब ये भर्ती सब कहीं नहीं हो, तो हम उसके लिए ये क्षमा प्रार्थी हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें क्षमा करें और एक यहाँ से ऐसा संदेश लेकर जाएं कि आने वाले समय में इस मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक अधिवेशन को हम काफी लंबे समय तक याद रखें। जय मिलन मुजफ्फरनगर मेन, वे महिला जय मिलन मुजफ्फरनगर मेन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था हम सबके लिए की है। धन्यवाद। बोले भगवान महावीर स्वामी की। देखिए आभार के रूप में मैं दो मिनट बात करूंगा। मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व हमारा जो यहाँ पर बैठा है उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने क्षेत्र संख्या चार की जैन मिलन मुजफ्फरनगर मेन और महिला जैन मिलन मुजफ्फरनगर मेन को इस अधिवेशन को करने का अवसर। सबसे पहले हमारा रणनीति इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूँगा चूंकि मैं क्षेत्र संख्या चार से संबंधित हूँ, जैन मिलन मुजफ्फरनगर से भी संबंधित। इसके बाद मैं आप सभी के लोग के प्रति बहुत आभारी हूँ जो इतनी विकट स्थिति में भी इतनी संख्या में यहाँ पर बता रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपनी जो हमारी समितियाँ मैंने बनाई थी, चेयरमैन का, हमारे मुख्य संयोजक, जितने भी अपने समिति बनाई है, उन सब का भी आभार करूँगा। महिलाओं का आभार करूँगा जिन्होंने सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर दिए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करूँगा। और साथ ही साथ वहरना की प्रबंध कमेटी का भी मैं आभार व्यक्त करूँगा जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर भारतीय व्यंजन को प्रदान की है। मैं इस अवसर पर गांधी टेंट का जो ये सारी व्यवस्था है, हमारे कहने से ये भले ही थोड़ी सी विपत्ति कल आई हो, लेकिन गांधी टेंट हाउस ने जो प्रोग्राम करने के लिए जो व्यवस्था बनाई है उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करूँगा। और जो साउंड की व्यवस्था उन्होंने बनाई है इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ इसलिए कि आप यहाँ पर आए। एक बात कहते कह बात समाप्त करूँगा, यहाँ पर यदि कोई कट्टा अनुभव हुआ हो तो उसे यहीं छोड़ करके जाएं और यदि अच्छा अनुभव हुआ हो तो उसे अपने साथ लेकर जाएं। ये मेरा मैं इस बीच भारतीय जैन मिलन केंद्रीय नेतृत्व की ओर से और आप हजारों की ओर से जैन मिलन मुजफ्फरनगर मेन और महिला मुजफ्फरनगर मेन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कल बड़ी विकट परिस्थितियां रही, यहां पर सुबह सुबह ओले भी पड़े, उसके बावजूद किसी भी सदस्य के चेहरे पर इतनी सी भी टेंशन नहीं थी, इतनी सी भी टेंशन। इसे इतनी बड़ी सहयोग भावना के तहत हमने कल का अधिवेशन संपूर्ण किया। पहला सत्र उस उधर किया, दूसरा सत्र यहाँ किया, तीसरा सत्र फिर वहां किया, मगर कोई टेंशन किसी के भी चेहरे पर इतनी नहीं थी। आज दिल्ली में आपको बता दूं, मैं गोडो गोडो पानी भरा हुआ है आज की बारिश में, मगर उसके बावजूद भी ये हमारा हौसला भारतीय जैन मिलन के ये कर्मठ वीर वीरांगनाओं का हार्दिक अभिनंदन, और सबसे ज्यादा हमारे भारतीय जैन मिलन के भीष्म पितामह, हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ संरक्षक वीर जयचंद जी का दो कितना बड़ा जिगर चाहिए इतनी बड़ी व्यवस्था संभालने के लिए। और सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वीर मनोज कुमार जैन जो इस कार्यक्रम के चेयरमैन भी है, आपके उनके चेहरे पर आप कभी भी शिकन नहीं देख सकते। आप उन्हें किसी भी समय कोई भी काम बता दिया गया हो, उन्होंने जितने सहज स्वभाव से आप सभी की सेवा की, हम सब की देखभाल की, आपका सबका उनकी तरफ से अभिनंदन करता हूं। और फिर भी अगर कोई गलती रह गई हो तो उनके साथ हम दोनों भी खड़े हैं जिम्मेदार, हम भी आपसे क्षमा प्रार्थी। साधु जय।
देखिए अब ड्रॉ निकलने वाला है और एक इसके पश्चात भोजन की व्यवस्था दो स्थानों पर अलग अलग है, दो स्थानों पर एक है। एक निवेदन है, मेरे पास पर्ची भी आई है कि आप सभी तीर्थ क्षेत्र पर उपस्थित हैं, सभी से निवेदन है कि भोजन झूठा ना छोड़ें तथा उपयोग के बाद गिलास आदि कूड़ेदान में ही डालें, अनंत फेंककर तीर्थ क्षेत्र को गंदा ना करें। ये निवेदन किया गया है, ये पर्ची मेरे पास आई है। तो अब लकी ड्रॉ निकलेगा, पहले जैसे जी आप ही निकाल दें ड्रॉ। जो यहाँ पर उपस्थित होगा ध्यान दें, और जिसने सफेद होगा सफेद वस्त्र पूरे नीचे से ऊपर तक, और जो विरांगना होगी जिसने पीले या केसरिया वस्त्र पहने होंगे उसको ही मिलेगा, अन्य को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। नंबर बता दे रहे जो यहां उपस्थित होगा, नाइन फाइव नाइन अमेंद्र कुमार जैन, जैन मिलन राजगढ़ दिल्ली। इधर ही हो भाई साहब, ये इधर ही हो नरेंद्र जी, इधर ही हो। हाँ जी है क्या ये? हाँ जी, वन टू। कहाँ है बताओ ना, हाथ दिलाओ भाई, हाथ दिलाओ भाई, अगर हो तो हाथ दिलाओ। कहाँ है भैया? ऊपर नंबर 959 अमेंद्र कुमार जैन, जैनगर राजगढ़ दिल्ली। नहीं है, कहाँ है तो हाथ तो हिलाओ, कहाँ है, कहाँ है? नहीं वही नहीं है। कैन वन टू, हाँ जी 3151 अंकुर जैन, 3151 अंकुर जैन, वन टू क्या जोर से बोलो भाई, वन टू। वन टू एट, इसमें नाम नहीं है, वन टू एट गलत है नाम, ये सभी नाम है, वन टू एट। वन टू एट अपने कूपन नंबर देख लीजिए, नाम नहीं लिखा, वन टू एट, वन टू थ्री, वन टू एट वन। अगर निकालते बोलोगे तो पहले हम यहाँ निकाल दे, लो भैया लो, 504 श्रीमती प्रमिला जैन। देखिए ये मैंने हेरा फेरी करी है, सब बता रहा हूं। ये लो प्रमिला जैन, ये एच के जैन साहब भी खड़े कह रहे हैं प्रमिला जैन उनके पास भी है, ये एच के जैन कह रहे हैं प्रमिला मेरे पास भी है। लो ये लो भैया, ये इधर ऊपर ऊपर, हाँ ये लो ही लो। हाँ जी इनको दिया जाए या नहीं दिया जाए पहले बता दो जी। नहीं भैया ये मना कर रहे हैं कि नहीं, ये हेरा फेरी है, दे दिया जाए, ठीक है चलो पकड़ो जी। 383 इस पे नाम नहीं है, 383 3 1 2 लाओ लो। थ्री एट थ्री बोलो भाई, 10-20 मिनट निकाल के देखेंगे क्या। 1 2 नहीं सफेद नहीं है, नहीं नीचे नहीं है, सफेद नहीं है, सफेद पैंट नहीं है, पूरा वो सफेद नहीं है। अकूब भी प्लीज सॉरी, आइए 129 इस पे भी नाम, 129
1 to 9 चलो तो ये 1 to 9 3100 इसका नाम नहीं 3100 आइए लो ये 3100 3121 बोले आदिनाथ की तरफ सागर जी महाराज की 3121 हाँ जी भैया ये तो उतार क्या हो गया कहाँ से गणित गुप्ता से नीरज जी चलिए चारों निकल गए भैया दो जगह भोजन की हमारी व्यवस्था है ध्यान देंगे भोजन भरपूर है इसलिए आकुलता नहीं करेंगे देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को